हेलो वेलकम दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे बीच के बारे में बताऊंगी जो गोवा का सबसे कॉस्टली बीच है। यह है इस बीच का मेन एंट्रेंस है। इस बीच के बारे में बहुत से लोगों को नहीं पता होता है और बहुत से यूट्यूबर इस बीच के बारे में आप लोगों को नहीं बताते हैं, तो आज मैं आपको इस बीच के बारे में बताऊंगी जो कि गोवा का बहुत ही महंगा बीच है और यहाँ पर फॉरेन लोग आते हैं। यहाँ पर आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि आज बहुत ही सुंदर बीच मैं दिखाने वाली हूँ। आप देख सकते हैं इस बीच का व्यू कितना प्यारा लग रहा है और बहुत सारे लोग बीच में इंजॉय कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इस बीच का पानी कितना क्लीन है और यहाँ की सैंड भी बिल्कुल वाइट है दूसरे बीचों के मुकाबले। इस बीच पर बहुत सारे हाई प्रोफाइल लोग आते हैं, नॉर्मल लोग बहुत ही कम आते हैं। जिनको प्राइवेसी पसंद होती है वही लोग इस बीच में आते हैं और इस बीच में इंजॉय करते हैं। ये देखिए, ये बहुत सारी हट्स बनी हुई हैं, यहाँ पर आप लोग रेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ की सैंड देखिए कितनी वाइट है, कितनी अच्छी लग रही है। आप देख सकते हैं ये बहुत सारे लोग हट्स में बैठ के बीच के व्यू का नज़ारा देख रहे हैं। और ये देखिए कुछ लोग हैं जो बीच में थेरेपी का मज़ा ले रहे हैं, मसाज ले रहे हैं। ये फॉरेन मैडम है जो कि बीच में मसाज का मज़ा ले रही हैं। तो फ्रेंड्स, चलते रहिए आगे और देखिए कि यह बीच कितना ही प्यारा है और कितना ही ब्यूटीफुल इस बीच का व्यू है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ, यह बीच पंजिम सिटी से लगभग 25 किलोमीटर दूर है और इस बीच का नाम है ऑसम बीच। देख सकते हैं आप लोग कितना प्यारा सा व्यू दिख रहा है, कितनी प्यारी प्यारी लहरें आ रही हैं और कितना क्लीन, दूर से ही देख सकते हैं आप लोग कि कितना क्लीन वाटर दिख रहा है। सब लोग कैसे इंजॉय कर रहे हैं, कितनी प्यारी सैंड है यहाँ की, वाओ। इस बीच के पास ही बहुत सारे फेमस बीच जैसे कि मानरेम, बागाटोरा और अरंबुल बीच हैं। आप लोग वहाँ भी जाके अपनी गोवा ट्रिप का इंजॉय कर सकते हैं। और इसी बीच के पास बहुत सारे रशियन नाइट्स क्लब भी हैं, आप लोग वहाँ जाके क्लब का पूरा इंजॉय कर सकते हैं। यह बीच गोवा का बहुत ही कॉस्टली बीच होने के कारण यहाँ पर बहुत से लोग नहीं आते हैं। जो हाई प्रोफाइल लोग हैं वही आते हैं और इस बीच में इंजॉय करते हैं। आप देखिए कैसे ये लोग मसाज ले रहे हैं, थ्रेडिंग करवा रहे हैं। आप लोग भी आके यहाँ पास मसाज और थ्रेडिंग करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आप लोग बने रहिए और आगे चल के मैं आप लोगों को मिलाती हूँ कि अब यहाँ पास मुझे कौन मिला। ये जो हट्स पे बैठी हुई हैं ये साउथ इंडियन की एक्ट्रेस हैं। ये हमको ये इस बीच पे मिली और मैंने इनका इंटरव्यू लिया जिसका वीडियो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी हट्स हैं। आप यहाँ पास आके इन हट्स में बैठ के और अपना ब्यूटीफुल बीच का इंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग गोवा आने का प्लान बना रहे हैं तो आप इस बीच को ज़रूर घूमना क्योंकि यह बीच बहुत ही कॉस्टली है और यहाँ पास बहुत हाई प्रोफाइल लोग आते हैं और इस बीच का इंजॉय करते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग इस बीच पर ज़रूर आइए और अपनी गोवा की ट्रिप को बहुत अच्छा बनाइए।
इस बीच पर क्राउड बहुत ही कम होता है, तो आप लोग इस बीच पर आके अच्छे से रिलैक्स होके इस बीच का एंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और गोवा की कोई भी जानकारी हो तो आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।